Namaskar and welcome to In Focus. On the surface, it would seem that the Congress Party is perfectly prepared to continue supporting the Devegowda government. But dig beneath the surface, and is the reality beginning to look a little different? Here to help me explore that situation is one of the most senior congressmen, a three-time former Chief Minister of Bihar and a former Rural Employment and Agriculture Minister, Dr. Jagannath Mishra. Dr. Saab, publicly your party's position is that you support the Devegowda government. But every day, senior Congress leaders are beginning to express their concern. They sound a little anxious. Let me ask you your personal opinion. Do you think the party should continue supporting the Devegowda government? My first reaction is this. Under special circumstances, on 12th May 1996, Congress Working Committee took a decision to extend support to a secular government. That was a compulsional situation to keep BJP out. But in the last 4 or 5 months, the Congress is getting disadvantage out of the functioning of this Devegowda government. The Congress position in the eye of the public is of not a ruling party, not opposition, not even neutral. The Congress is losing its own independent identity. Rather, it is losing its political relevancy. The time has come when the Congress Working Committee will have to reconsider its 12th May 1996 resolution, which was subsequently modified on 4th November 1996, where it said they are not happy with the function of the government. But now, more seriously, the Congress Working Committee should think and take a decision for withdrawing its support from the Devegowda government, since the continuance of support to this government will mean that the Congress will lose its own political utility and viability. Sir, you are saying that after 4 November, the situation has worse from your side. It is लगातार खराब हो रही है और कांग्रेस जन की भावना हो रही है कि देवगौड़ा गवर्नमेंट के जो मंत्रीगण हैं वे कांग्रेस जनों को न एक साधारण शिष्टाचार देते हैं. जो मंत्री हमारे संसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं उद्घाटन में या शिलान्यास में सार्वजनिक समारोह में, वहाँ दावत नहीं देते, आमंत्रण नहीं देते. ये भावना फैलाने की कोशिश करते हैं जैसे कि जनता दल की सरकार ही केवल है और वह जो काम हो रहा है वह केवल जनता दल कर रही हैं या संयुक्त मोर्चा कर रही हैं. कांग्रेस का कोई सहयोग ही नहीं है, कांग्रेस का भूमिका ही नहीं है. इसलिए कांग्रेस आम लोगों की नज़र में लगातार गिरती जा रही है और कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त होती जा रही है. कांग्रेस जन की ये भावना तीव्रतर होती जा रही है कि सरकार को समर्थन देने से हमारी कोई उपयोगिता आगे के दिनों में नहीं रह पाएगी. तो आप कह रहे हैं कि समर्थन वापस लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कब? आज, कल, कब? व्यक्तिगत रूप से तो मैं कहना चाहूंगा कि तुरंत से तुरंत इस सरकार से कांग्रेस को अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए और अपना स्वतंत्र अस्तित्व फिर से कायम करना चाहिए. और इसलिए कि जिन राज्यों में संयुक्त मोर्चा के घटक दलों की सरकार है, चाहे वह सीपीएम की सरकार हो, कि तेलुगु देशम की सरकार हो, कि डीएमके की सरकार हो, कि जनता दल की सरकार हो, उन राज्यों की स्थिति बदतर होती जा रही है. उन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि आगे चुनाव में कांग्रेस की स्थिति चुनाव लड़ने की राह ही नहीं पाएगी. क्या ऐसी स्थिति रख के कार्य समिति कांग्रेस की कोई सेवा आगे के दिनों में भारत की जनता को दे सकेगी? यह एक अहम मुद्दा आज कांग्रेस जनों के समक्ष में. लेकिन आपने अपनी राय केसरी साहब के सामने रखी है? कांग्रेस अध्यक्ष केसरी जी भी पूर्णतः दिखते हैं इसी राय के, जो उनके सार्वजनिक मगर कहते तो कुछ और है पब्लिकली. नहीं, जो मैंने जो उनके वक्तव्य आते रहे हैं उससे भी लगता है. और जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरे में शाहजहांपुर में कहा था कि संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन हमने खास उद्देश्य से दिया था और उस उद्देश्य की प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए कांग्रेस को विवश होकर सोचना पड़ेगा. हमारा ख्याल है कि वह सोचने का समय आ गया है. वह तब जब उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार को
मायावती को सरकार बनाने में संघ मोर्चा ने समर्थन नहीं दिया, जब कांग्रेस ने वादा कर रखा था। तो यही एक मुद्दा है कांग्रेस के समक्ष, जिस पर कि तत्काल संघ मोर्चा को चेतावनी देनी चाहिए, या तो मायावती को मुख्यमंत्री मानो या हम समर्थन वापस लेते हैं। इससे कांग्रेस की छवि दलितों के बीच में, गरीबों के बीच में, पिछड़ों के बीच में और उभरे भी, जिसके बीच से हम कट गए थे पिछले दिनों में, उनमें हमारा प्रवेश फिर से प्रस्थापित हो जाएगा अगर संयुक्त मोर्चा सरकार को हम बात करके मायावती को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनवा दे तो। लेकिन इस तरह का थ्रेट, इस तरह का अल्टीमेटम केसरी साहब देने को तैयार है कि अगर आपने मायावती जी का समर्थन नहीं किया तो हम कल ही समर्थन अपना वापस ले रहे हैं? उन्होंने तो दिया था पहले और अभी भी उनको यह कहना चाहिए और कांग्रेस को एक स्टैंड मजबूती के साथ लेना चाहिए दो बातों पर, कि चूंकि कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के कार्यक्रमों और कांग्रेसजनों को विश्वास में देवगढ़ सरकार नहीं लेती है, उसका नुकसान कांग्रेस उठाना पड़ रहा है। दूसरा कि कांग्रेस के समर्थन से जो बहुजन समाज की सरकार वहाँ बन सकती थी, मायावती की एक दलित महिला की सरकार, उसको देवगढ़ की संघ मोर्चा ने समर्थन नहीं दिया, इसको आधार बना के तत्क्षण समर्थन वापस लेना चाहिए। चलिए लेट मी स्पेकुलेट विद यू, आप तो कह रहे हैं कि तुरंत समर्थन वापस लेना चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा जैसे ही होने वाला, समझिएगा समझिएगा, जनवरी पहली तक ना हुआ तो कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? अब कहते हैं कि अगर यह समर्थन कंटिन्यू किया जारी रहा तो दिनानुदिन कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जाएगी, आम लोगों की नजर में कांग्रेस राजनीतिक पार्टी के रूप में रह नहीं पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस की कोई सार्वजनिक भूमिका रह नहीं रही है देश में। Do you also accept something else? कि जितने हफ्तों के लिए, महीनों के लिए आपने इस सरकार को सपोर्ट दिया, उतना ही बेनिफिट बीजेपी को ही मिल रहा है? हमको ये लगता है, जिस तरह से हमने मई में बीजेपी को अलग रखने के लिए संयुक्त मोर्चा को समर्थन दिया था, आज स्थिति हो रही है कि जनता दल या संयुक्त मोर्चा के विरुद्ध जो मतदाता हैं, जब कांग्रेस नहीं है विरोध में तो कहाँ जाएंगे? उनका समर्थन जो कांग्रेस के साथ भी था, धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा। हमारे जैसे राज्य में वो समर्थन बिहार में समता पार्टी को, बीजेपी को चला जाएगा। इसलिए कांग्रेस का जो आधार बचा हुआ भी था वह जनता दल विरोधी, संयुक्त मोर्चा विरोधी, समाज पार्टी विरोधी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी मत आज कांग्रेस के पास है। जब कांग्रेस इसी मोर्चा को समर्थन देती रहेगी तो इन मोर्चों के विरुद्ध जो मतदाता है हमारे साथ क्यों बंधे रहेंगे? मुझे ये बताइए सर, अगर स्थिति इतनी ही सीरियस है जैसे आप कह रहे हैं, then why has the Congress not withdrawn support? How do you explain that? ये सही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 4 नवंबर के फैसले में विफलताओं की चर्चा की है, इनकी आर्थिक नीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में, इनकी कांग्रेस की नीतियों को नहीं मानने के बारे में बातें कही हैं, और कांग्रेस ये भी कही है कि संयुक्त मोर्चा यह ना समझे कि हमारा सपोर्ट गारंटी उनके साथ है। इस सीमा तक तो आ चुकी, 12 मई के फैसले को उन्होंने क्वालिफाइड कर दिया, अब आगे के समय में कार्य समिति को समर्थन वापस लेने की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, ये थर्ड स्टेज पर जल्दी कांग्रेस को पहुंचना चाहिए। Have you said it as openly to Mr. Kesri as you are saying it to me? निश्चित रूप से, इन्हीं लफ्जों में आपने कहा। हम उनसे जब बात करते हैं तो बराबर ये कहते हैं कि कांग्रेस की राजनीतिक सार्थकता समाप्त हो जाएगी अगर जल्दी से जल्दी आप इस सरकार से अपने को अलग। और उनका उत्तर क्या था? उनकी राय तो प्रावधानिक रूप से भी आ रही है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि कांग्रेस को थोड़े सोच के साथ फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन वह भी अनुभव करते हैं। आप कह रहे तुरंत समर्थन वापस लेना चाहिए, वो कह रहे कि सोचेंगे। वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, मैं तो कांग्रेस का कार्य करता हूँ, इसलिए मैं तो अपनी भावना प्रकट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमारी भावना के साथ तत्काल उनकी भावना मेल खा जाए। लेकिन कांग्रेस जन हमको तो मेरी भावना नहीं, देश के सभी 99% कांग्रेस जन की भावना यही है कि कांग्रेस के भविष्य के लिए, कांग्रेस की अस्मिता के लिए, कांग्रेस की रेलिवेंसी के लिए, कांग्रेस व्यवहारता वायबिलिटी के लिए इस सरकार समर्थन वापस लेना चाहिए, और समझते हैं धीरे धीरे ये बात तक भी पहुंच रही है। आप कह रहे हैं कि 99% कांग्रेसमैन की यही फीलिंग है? जरूर। आपको कैसे पता? जनता में घूमते हैं, वर्कर बीजते हैं। क्या केसरी साहब नहीं घूमते? केसरी साहब नहीं घूमते? वो भी सहमत है, उनकी परिस्थिति नेतृत्व के स्तर पर है क्या फैसला करेंगे, लेकिन कांग्रेस जनों की भावना उन तक भी शुरू पहुंच रही है।
कि संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन जारी रखने से कांग्रेस के लिए बड़ा ही संकट आगे के दिनों में आने वाला है। इस मामले में राव साहब की क्या राय? अब राव साहब ने एक खास परिस्थिति में दी थी समर्थन। राव साहब का ख्याल इस समय जरूर लगता है कि अल्टरनेटिव क्या होगा। उनके सवाल जो विश्लेषण हमारा है उससे अलग राय उनकी भी नहीं बनती होगी, खास तौर से विस्तार से कोई बात इस पर नहीं हुई है। लेकिन उनके सामने ये प्रश्न जरूर है कि वैकल्पिक सरकार अगर नहीं बनेगी तो तत्काल हमको मध्यावधि चुनाव में जाना पड़ेगा। क्या मुल्क इसके लिए तैयार है कि दोबारा फिर से मध्यावधि चुनाव में जाया जाए? इसलिए कांग्रेस की सरकार फिर से अगर वैकल्पिक बन सके इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, ये बात। मगर राव साहब हैज हिज डाउट्स, ही इज नॉट एज क्लियर इन हिज माइंड एज यू आर। डेफिनेटली नॉट। एंड केसरी साहब इज क्लोजर टू यू ऑल्दो नॉट कंप्लीटली ऑन योर साइड। हमको लगता है सर। इसका मतलब है कि इस मामले में राव साहब और केसरी साहब के बीच में काफी फासला है। अब ये तत्काल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आपने ही कहा तो मैं ये कह रहा हूँ कि केसरी साहब कांग्रेस जनों की भावना से अवगत हो रहे हैं और राव साहब नहीं हो रहे। नहीं, उनको इस बात को मानते हैं कि संघ मोर्चा को सरकार को समर्थन जारी रखने से कांग्रेस का अनिष्ट है, लेकिन विकल्प क्या है उनके सामने, अल्टरनेटिव कि दूसरी को सरकार बन के मध्यावधि चुनाव को टाला जा सके तो देश के हित में है। तो क्या कांग्रेस अपने नेतृत्व में सरकार बना सकती है, या जिन दलों को मदद हम दे रहे हैं वे सभी दल हमको मदद दे सकते हैं, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। Dr. Mishra, we have to take a commercial break at this point, but I want to come back in part two and talk to you about what would be the situation if your party accepted your viewpoint and withdrew support. We'll be back in just a couple of minutes, so don't go away. Welcome back to part two of our interview with Dr. Jagannath Mishra. Dr. Saab, aap mujhe part one mein keh rahe the that your party should withdraw support from the United Front government immediately. Samjhega, aapki party aapki raay maan jaye aur samarthan wapas liya jaye, to hoga kya? Chunav? Do baat hai. Ek to jo bhi Congress ki neet hai ki purane sabhi Congressdan Congress mein shamil ho jaye, jo ho bhi rahe hain, kuch raaye bhi hain. जैसे तिवारी कांग्रेस के लोग आ जाए, माधव सिंधिया आ गए, मोपनार के तमिलनाडु कांग्रेस के लोग को आमंत्रण दिया जा रहा है। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाए जिसकी संभावना दिखती है, तो सरकार को समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस के लीडरशिप में भी सरकार बन सकती हैं। और हमारी अपेक्षा उन सभी सेकुलर पार्टियों से भी है जिनको हमने समर्थन दिया है कांग्रेस की तरफ से, वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दें। इसलिए अल्टरनेटिव सरकार कांग्रेस की लीडरशिप की बनके मध्यावधि चुनाव को रोका जा सकता है, एक विकल्प ये है। दूसरा, अगर सरकार नहीं बन पाती है कोई तो फिर मध्यावधि चुनाव होगा। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा क्या अपने अस्तित्व के कीमत पर मध्यावधि चुनाव को टाला जाए। मध्यावधि चुनाव को तभी आप टाल सकते हैं जब आप इस वर्तमान सरकार को समर्थन देते रहेंगे। वर्तमान सरकार समर्थन देते रहने का माने है कि कांग्रेस की निरर्थकता, इरिलेवेंसी। इसलिए कांग्रेस इस कीमत पर समर्थन देके मध्यावधि चुनाव को टाले वो कांग्रेस के हित में होगा क्या? इसलिए हम विश्लेषण से स्थापित करते हैं कि कांग्रेस के हित में ही है कि अगर वैकल्पिक सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाती है तो मध्यावधि चुनाव में भी कांग्रेस को जाना चाहिए। कम से कम कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कायम तो रह सकेगी। इस सरकार को बरस दो बरस समर्थन देके कांग्रेस की हैसियत राजनीतिक पार्टी की भी आगे दिनों में नहीं रहने वाली है। ये खतरा, ये रिस्क लेके कांग्रेस को चलना चाहिए, ना चलना चाहिए, ये कांग्रेस वर्क कमेटी को गंभीरता से विस्तार से विचार करना चाहिए। एक तरह यही कह रहे हैं कि इट इज बेटर फॉर कांग्रेस टू गेट डिफीटेड इन अ मिड टर्म इलेक्शन देन टू बिकम इररिलेवेंट सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट। डेफिनेटली चुनाव हारना भी बेहतर होगा बनस्पत की अपनी पहचान मिटा देने का। बट व्हाट इज द बेटर चांस, fighting a midterm election, or do you think there is a better chance that you will end up forming the next government? नहीं, पहली कोशिश तो विकल्प सरकार बनाने की होनी चाहिए। अगर नहीं बन पाती है तो मध्यावधि चुनाव भी की क्या राय, बन पाएगी? बन सकती है। बन सकती है? बन सकती है। चांसेस कितने हैं? More than 50%? More than 50%, बन सकती है। More than 80%? More than 80%? नहीं, हम कहते हैं बन सकती है, पूरी बन सकती है, इसलिए कि कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की
हैसियत बन जानी मगर कम्युनिस्ट पार्टी ने तो आपको सपोर्ट नहीं देना। नहीं, हम ही कारण है तब तो, और नहीं। अगर हम अगर सेकुलर नहीं है तो सेकुलर है क्या? तो हमने उनको सब कांग्रेस ने सपोर्ट दिया उनको, तो दूसरी अवस्था हमको क्यों सपोर्ट करेंगे? मगर उनकी एक तो शर्त है कि जब तक राव साहब आपके सीपीपी लीडर रहेंगे और जब तक खतरा है कि राव साहब ही बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, वो आपको समर्थन नहीं देंगे। ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस कोई ये कहती है कि हम राव साहब के साथ ही सरकार बनाएंगे। सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस तय करेगी किसके साथ बनेगी। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए आप राव साहब को एक तरह करने को तैयार हैं? इसमें नहीं है, लेकिन कह तो रहे हैं आप। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दैट इज नॉट द इशू एट ऑल, कि कांग्रेस के लीडरशिप वाला इशू है ही नहीं। कांग्रेस तय करेगी सरकार बनाने के बारे में, फिर स्ट्रेटजी तय करेगी। और ये राइट हम नहीं मानते हैं किसी को है कि वो ए लीडर हो कि बी लीडर हो, दैट इज द इंटरनल मैटर ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है नेतृत्व के बारे में। चलिएगा, मैं मान गया आपकी बात कि इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ द कांग्रेस, मगर मेरा सवाल ये था, इफ टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टीज, इफ टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द तमिल मनिला कांग्रेस, यू आर रिक्वायर्ड टू इलेक्ट अ न्यू सीपीपी लीडर, आर यू प्रिपेयर्ड टू डू सो? कांग्रेस सभी अवस्था के लिए तैयार रहती है, ये विशेषता कांग्रेस की है, लेकिन समय आने पर कांग्रेस रणनीति बनाती है, स्ट्रेटेजी बनाती है। हाँ, आप ये नहीं चाहते कि आपने लीडर अपना बदल दिया और इन्होंने समर्थन नहीं दिया, फिर तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगा कि ये समर्थन देने, अगर आपको लगा देश के नहीं, अगर आपको लगा कि ये समर्थन देने को कांग्रेस के लिए, देश के लिए कांग्रेस जन कोई सैक्रिफाइस करता है, कर सकता है। ये तो अच्छा बहाना मिला, देश के लिए राव साहब को सैक्रिफाइस किया जाएगा। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए भी राव साहब को सैक्रिफाइस किया जाएगा, लेकिन बलिदान उनका होने ही वाला। ये हम नहीं मानते हैं बलिदान क्यों होगा। हम ये कहते हैं कि ये मामला है नहीं, लेकिन ये मामला अगर बनता है तो कांग्रेस समय पर उचित निर्णय करने की क्षमता रखती है। मुझे एक और चीज बताएं, एट द मोमेंट यू आर स्टिल पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड विद एवरी डे दैट यू कंटिन्यू टू सपोर्ट दिस गवर्नमेंट यू बिकम पार्टी टू मेनी एम्बैरेसिंग थिंग्स दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और भी बिगड़ने वाली है। डू यू पर्सनली सपोर्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन यूपी? मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ कि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में फिर से नहीं हो सकता था। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट गो बियॉन्ड वन ईयर, only exceptional circumstances the parliament can extend precedent rule beyond one year. ye the exception, that exceptional circumstances were not there in Uttar Pradesh when the precedent rule was extended. This action was against the provision of the constitution, therefore this proclamation should not be supported by the Congress in the parliament since it goes against the constitution. It is the primary duty of the Congress to protect, defend and preserve the constitution. The constitution is a danger through this proclamation. Magar aapki party ne to announce kar diya hai ki they will support president's rule when it is voted upon in parliament. I still hold the view, the reaction which Gadgil gave on that day, the Congress would not support this proclamation. I hope the Congress should reconsider it and go back to its earlier comment reaction which was given by Mr. Gadgil. Or not agar, to support this. Or agar Congress na reconsider kare or vote aye, how will you personally vote? Agar whip nahi hoga to main is prastav ka samarthan nahi kar sakta. Congress ka whip hoga to samarthan karunga. Kyunki main ye manta hu ek shikshak ek vidyarthi एक राजशास्त्र के जानकार रखने वाले हैसियत से कि घोर असंवैधानिक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मामले में की गई है, जिसको कांग्रेस को और किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर हमारे मन के विपरीत है भी तो पीपुल मैंडेट था तो उसको जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बना के 10 दिन में गिर जाने दिया, उसी सरकार बना के 10 दिन गिर जाने जाना चाहिए था। इसके वजह से संविधान की हत्या क्यों की गई वहां पे? एक साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन क्यों किया गया वहां पे? ये बस समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, आप यूपी के बारे तो बड़े खुले बोल गए,
मुझे गुजरात के बारे में बताइएगा, वहां पे भी प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज किया गया था, डू यू थिंक दैट वॉज इक्वली रॉन्ग? निश्चित रूप से गुजरात में भी जिस हालात में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अगर सदन के भीतर गुंडागर्दी से राष्ट्रपति शासन हो जाए तो किसी भी जगह किसी भी सदन में उस स्थिति पैदा करा के राष्ट्रपति शासन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इन मामलों में तो आपकी राय और आपकी पार्टी की राय में काफी बड़ा फासला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सख्त विरोधी हूं, लेकिन उस विरोध के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति बने उसका मैं विरोध। इस समय तो काफी आपके ही पार्टी के लोग आपका इंटरव्यू सुन के कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है, ये तो हमारे पार्टी के विरोधी हैं। नहीं, हम कहते हैं हम संविधान के प्रावधानों को ईमानदारी से लागू कराने पक्षधर हैं। हम CPS CPM को कहते, जनता दल को कहते, जो कांग्रेस की आलोचना करते लगातार राष्ट्रपति शासन के बारे में, 356 दुरुपयोग के बारे में, उन्हीं लोगों ने राजनीतिक कारणों से इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया है। इसे केवल कांग्रेस पर जो आरोप लगाते थे वह आरोप आज इन पे भी खुले तौर पर लगाया जा रहा है। सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल संविधान के स्प्रिट का है, प्रावधानों का। मुझे ये बताएं, समझेगा आज रात केसरी साहब आपका इंटरव्यू सुन रहे हो और सुन के उनको लगे कि जगन्नाथ मिश्रा साहब तो ज्यादा जरूरत से ही ज्यादा बोल गए, ये तो इनडिसिप्लिन है, तो आप उनको क्या उत्तर देंगे? हम कहेंगे कि हम कांग्रेस हेडसर तो नहीं कर रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी का एक शिक्षक हूँ और शिक्षकों के बीच, विद्वानों के बीच में जो बातें होती बात होती हैं वो आम शिक्षकों के विद्वानों की भावना व्यक्त कर रहा हूँ जो राजनीति से भिन्न होता है। मगर आप ये बात पब्लिकली कह रहे हैं, आपको ये बात प्राइवेटली केसरी साहब से कहनी थी कि समर्थन सरकार से वापस लीजिएगा, आप तो पब्लिकली कह गए, पूरा मुल्क सुन गया। नहीं, ये बात तो हम कह रहे हैं कबर में कहा कि कांग्रेस के डिसिप्लिन के भीतर कांग्रेस शासन मानते हुए हमको फ्री एक्सप्रेशन का अधिकार तो मिला हुआ है, मगर इतना फ्री और इतना ओपन एक्सप्रेशन कि पार्टी के पॉलिसीज के बिल्कुल खिलाफ आप बोल रहे हैं? बिल्कुल खिलाफ नहीं कहा, हम पार्टी के 12 मई के फैसले को, 14 नवंबर के फैसले को पूर्ण रूप से मानते हैं, लेकिन कांग्रेस के अदना कार्यकर्ता की हैसियत से हमको अपनी बात अमाम को कहने का पूरा हक है। लेट मी देन पुट इट डिफरेंटली, हैव यू एम्बैरस्ड मिस्टर केसरी बाय पब्लिकली सेइंग दैट द कांग्रेस शुड विदड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द देवेगौड़ा गवर्नमेंट इमीडिएटली? नहीं, उनको उनको विचार कर दो, फैसला तो हमारा तो होगा नहीं, फैसला तो वर्किंग कमेटी का होगा, उनका होगा, लेकिन विचार के लिए मुद्दा देने का हक तो मुझे है। मगर इतना खुला, आखिर यू मे बी डैमेजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट बाय स्पीकिंग सो ओपनली? ये बात तो सब कहते हैं। देखिए, अब जो जिस तरह से होम मिनिस्टर कह रहे हैं, दूसरे मिनिस्टरान कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, उससे कोई बड़ा एम्बैरेसिंग तो हम नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थन की सरकार चलती है और कांग्रेस की दिन रात आलोचना होती है, गैर कांग्रेस बात की मानसिकता अभी भी उन सभी घटक दलों में व्याप्त है, जबकि कांग्रेस की मदद की सरकार चल रही है। हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एकेडमिकली कह रहे हैं कि इस सरकार को समर्थन जारी रखने से कांग्रेस की पहचान पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और अगर ये अनुशासित हो के कांग्रेस के अदना कार्यकर्ता के हिस्से से हम अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अब यह विचार कांग्रेस कमेटी करना है, कांग्रेस प्रेसिडेंट करना है, माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, अंतिम फैसला जो कांग्रेस होगा उसके साथ में। आपकी अपनी राय यही है, और मैं आपसे अब हाँ ना जवाब ही चाहता हूँ, आपकी अपनी राय यही है कि समर्थन सरकार से आज और अभी वापस लेना चाहिए, ये आपकी राय है? हमारी राय यही है जो कांग्रेस जनों की भावना है कि सरकार को समर्थन जारी रखने से कांग्रेस का अहित हो रहा है। फॉर टॉकिंग सो ओपनली एंड कैंडिडली टू इन फोकस डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, thank you very much indeed. That's it for this week. We'll be back next week with another interviewee. But till then, goodbye.